हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के बारे में। उनके बीए फर्स्ट ईयर में एक स्टोरी लगी हुई है, द फॉर्चून टेलर बाय कैरल कैपेक। तो ये जो स्टोरी है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये स्टोरी क्या है, इसके अंदर क्या है और इसका जो कंक्लूज़न है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरल कैपेक के बारे में कि ये जो ऑथर है कैरल कैपेक, जो स्टोरी राइट है, ये कौन है और ये कहाँ से हैं, इसके बारे में हम पहले पता लगा लेते हैं। तो द फॉर्चून टेलर अबाउट द ऑथर। कैरल कैपेक वॉज अ चेक नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड जर्नलिस्ट। ही वॉज एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटीज ऑफ प्राग, बर्लिन एंड पेरिस। तो कैरल कैपेक जो है वो चेक नॉवलिस्ट है, चेक मतलब जो रशिया में है, ये चेक जो है चेकोस्लोवाकिया वहाँ के हैं। ये ड्रामेटिस्ट भी हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और जर्नलिस्ट भी थे। इनकी जो एजुकेशन है वो प्राग, बर्लिन और पेरिस की यूनिवर्सिटीज़ में हुई है। समरी समरी ऑफ द स्टोरी जो है वो क्या है, ये देख लीजिए। द फॉर्चून टेलर इज़ अ शॉर्ट स्टोरी पेंड बाय कैरल कैपेक। जो फॉर्चून टेलर स्टोरी है ये लिखी गई है कैरल कैपेक के द्वारा, अ फेमस चेक राइटर। द स्टोरी इज़ अबाउट अ फेक फॉर्चून टेलर एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर का मतलब जो भविष्य बताएं, ठीक है। ये एक स्टोरी है उस एस्ट्रोलॉजर के बारे में, उस भविष्यवक्ता के बारे में जो कि झूठा है, फेक है, ठीक है। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड की है ये। कॉल्ड मिसिज मेयर्स, जो फॉर्चून टेलर है उसका नाम क्या है, मिसिज मेयर्स। हाउ शी इज ट्रैप्ड, और कैसे उसको फंसाया जाता है बाय द डिटेक्टिव, जो जासूस है, इंस्पेक्टर है, मिस्टर मैकलरी, एंड पनिश्ड बाय द मजिस्ट्रेट कैली इज द स्टोरी। बट हाउ हर प्रोफेसी टर्न्स आउट टू बी ट्रू, लेकिन जो उसकी प्रोफेसी होती है, जो वो प्रोफेसाइज करती है, वो कैसे सच हो जाती है, इज़ द आयरनी ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी की क्या है, आयरनी है। ये लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये गलत, मतलब ये झूठ है, लेकिन वो सच हो जाता है बाद में। एवरी वंस जजमेंट गोज रॉन्ग, बट नॉट द प्रडिक्शंस ऑफ द फेक एस्ट्रोलॉजर। वो सभी लोग, चाहे वो जज हो चाहे कोई भी हो, उन सबके जो जजमेंट होते हैं वो गलत हो जाते हैं, लेकिन जो फेक एस्ट्रोलॉजर है उसका जो जजमेंट है वो गलत, या जो उसकी प्रडिक्शंस है वो गलत नहीं होती है। डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी, तो कैसे ये स्टोरी डेवलप करती है ये देखते हैं हम। कि इंस्पेक्टर मैकलरी स्प्रेड्स अ नेट टू कैच मिसिज मेयर्स। जो मिसिज मेयर्स है वो फॉर्च्यून टेलर है, उसको पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर मिस्टर मैकलरी क्या करते हैं, एक जाल बिछाते हैं बाई सेंडिंग हिज वाइफ मिसिज मैकलरी, और अपनी वाइफ को भेजते हैं किसके पास, फॉर्च्यून टेलर के पास। हिज वाइफ प्रिटेंड्स एज इफ शी इज़ अ 20 ईयर्स ओल्ड अनमेरिड गर्ल। और जो उसकी वाइफ होती है वो कैसे प्रिटेंड करती है, जैसे कि वो एक 20 ईयर्स अनमेरिड गर्ल है। मिसिज मेयर्स रीड्स द कार्ड, और जो फॉर्च्यून टेलर होती है मिसिज मेयर्स, वो कार्ड पढ़ती हैं किसके, मिसिज मैकलरी के। एंड शी प्रेडिक्ट्स, और वो प्रेडिक्ट करती हैं दैट द गर्ल इज़ गोइंग टू मैरी अ यंग रिच बिजनेसमैन बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। और वो क्या प्रेडिक्ट करती है कि भाई ये जो लड़की है इसकी शादी हो जाएगी इस साल के अंत तक, और बहुत रिच बिजनेसमैन के साथ। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि मिसिज मैकलरी कौन थी, वाइफ थी मिस्टर मैकलरी की, जो कि इंस्पेक्टर हैं, तो उसकी शादी कैसे हो सकती है, हम यही सोचेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि एन एल्डरली मैन विल बी एन ऑब्स्टेकल ऑन हर वे, और एक बूढ़ा आदमी क्या होगा उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल बनेगा। बट शी विल सक्सीड एंड मूव अक्रॉस द ओशियन, लेकिन वो सफलता पा लेगी और समुद्र क्रॉस कर जाएगी आफ्टर मैरिज। द फी 1 pound एंड 1 shilling इज़ पेड फॉर हर predictions, और उसको वो फीस दे दी जाती है जो वो prediction करती है उसके लिए। द ट्रायल सीन ऑफ द कोर्ट, द इंस्पेक्टर फाइल्स अ केस अगेंस्ट मिसिज मेयर्स। जो इंस्पेक्टर होता है वो एक वो मिसिज मेयर्स के खिलाफ एक केस फाइल करता है। शी इज समन टू द कोर्ट फॉर ट्रायल, और उसको ट्रायल के लिए बुलाया जाता है, कोर्ट में बुलाया जाता है। शी आर्ग्यूज दैट मिसिज मैकलरी अपियर्ड एज एन अनमेरिड एंक्शियस गर्ल, एंड दैट इज़ वाई आई प्रिडिक्टेड सो। वो कहती है कि मैकलरी जो थी वो अनमेरिड लड़की की तरह आई थी मेरे पास, तो मैंने उस तरीके से प्रिडिक्शन कर दिया। हाउ एवर हर फ्रॉड इज प्रूव्ड, लेकिन उसका जो फ्रॉड होता है प्रूव हो जाता है, एंड शी इज सेंटेंस टू डेपोर्टेशन, और उसको क्या कर दिया जाता है, डिपोर्ट कर दिया जाता है, वापस वहीं भेज दिया जाता है जहाँ से वो आई है। वो जर्मनी से आ रखी होती है तो उसको वापस जर्मनी भेज दिया जाता है। शी ऑल्सो हैज़ टू पे द पेनल्टी ऑफ 50 pounds, और उसको 50 pounds की पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है, ठीक है। आयरनी ऑफ लाइफ, अ ईयर लेटर, एक साल के बाद क्या होता है, द जज मिस्टर कैली, जिसने वो फैसला सुनाया होता है ना,
उस फॉर्च्यून टेलर के अगेंस्ट। मिस्टर कैली मीट्स द इंस्पेक्टर बाय चांस, वो इंस्पेक्टर से मिलता है, ही शॉक टू नो, और वो शॉक रह जाता है ये जान के दैट मिसेज मैकलरी इलोप्ड विद द यंग रिच बिजनेसमैन फ्रॉम मेलबॉर्न। वो सरप्राइज हो जाता है कि जो मिसेज मैकलरी है वो सच में मतलब इलोप कर गई, भाग गई किसी एक रिच बिजनेसमैन, यंग रिच बिजनेसमैन के साथ। शी क्रॉस द ओशियन अ वीक अगो फॉर ऑस्ट्रेलिया, और वो ऑस्ट्रेलिया भाग गई हैं। मिसेज मेयर्स इज़ अ फ्रॉड, हालांकि मिसेज मेयर्स जो थी वो फ्रॉड थी, बट हर प्रिडिक्शन बिकम्स ट्रू, लेकिन उनकी जो भविष्यवाणी थी वो सच हो गई। द इंस्पेक्टर एंड जज आर एबल टू जज मिसेज मेयर्स बट नॉट द मिस्टीरियस हैपनिंग्स इन लाइफ। हालांकि जज और इंस्पेक्टर मिलके मिसेज मेयर्स को तो जज कर लेते हैं, लेकिन जो लाइफ की जो हैपनिंग्स होती है, जो लाइफ में जो घटित होता है, उसको वो जज नहीं कर सकते। डेस्टिनी ओवर रूल्स ह्यूमन इंटेलिजेंस, और इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो भाग्य होता है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी ओवर रूल कर देता है और उसको जीत लेता है। कंक्लूजन, In this short story, the prophecy of the old lady, the fake fortune teller, that she predicted a certain future for Miss Jones or Mrs. McClary comes true. Although the judge orders her to go back to Germany and also advises her not to practice any more such fraudulent prediction as a professional fortune teller. Yet the greatest irony is that the prophecy of the fake fortune teller comes true at the end of... At the end, and it takes the readers to some unpredictable climax when Mrs. McClary is found to have been married to a rich young businessman and have moved to Australia. Thus, a freakish forecast comes true in the life of the smart inspector. तो कुल मिला के क्या होता है कि जो प्रोफेसी टेलर होता है, जो फॉर्च्यून टेलर होता है, उनकी जो प्रेडिक्शन होती है वो सच हो जाती है, हालांकि उसको सजा दे दी जाती है, लेकिन एक साल के बाद में पता चलता है कि जो उसने बोला था वो सच हो चुका है। ये इसका कंक्लूजन है कि जो लाइफ की आयरनी है उसके आगे ह्यूमन इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच।